हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना विस्फोट, एक दिन में मिले 33,750 नए केस, आज से 15 से 18 साल के बच्चों को टीका। कोरोना का संकट देश में तेजी से बढ़ रहा है और अब सावधान रहने की जरूरत है। बीते एक दिन में भारत में 33,750 नए कोरोना केस मिले हैं। ये लगातार छठा दिन है जब कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। चिंता की बात यह है कि नए केसों का आंकड़ा रिकवर होने वाले लोगों के मुकाबले 3 गुना अधिक है। एक दिन में महज 10,846 लोग ही रिकवर हुए हैं, जबकि 123 लोगों की मौत हो गई है। नए केसों के मुकाबले रिकवरी बेहद कम होने के चलते एक्टिव केसों में तेजी से इजाफा हुआ है। देश भर में सक्रिय मामलों का आंकड़ा तेजी से बढ़ते हुए 1,45,582 हो गया है। अब तक देश में कोरोना के चलते 4,81,893 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण के मामलों में 3 गुना तक का इजाफा हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के चलते अब आने वाले तीसरी लहर पहले की तरह घातक नहीं होगी। गौरतलब है कि आज से देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना टीका लगाने की शुरुआत हो गई है। अब तक करीब 8 लाख बच्चों ने इसके लिए पंजीकरण करा लिया है। स्कूलों में भी कैंप लगाकर बच्चों को टीका लगाए जाने की तैयारी है। इसके अलावा 10 जनवरी से 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों और हेल्थ एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज भी दिए जाने की तैयारी है। जागरूक टीवी की नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।